गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नैक्सट प्रैक्टिकल है 14 द बी पार्ट. ठीक है, अच्छा आप करना कल आप कहते अच्छे आप करना कि गैट कोई भी आप कोई डाट कोई बुक लेंदे कि बोरो की कि दिन से बोरो की वो वाले जो आप कहते डाटाबेस क्रिएट करने. पहले आप कहते कि क्रिएट बोरो टेबल कि बोरो टेबल क्रिएट करना कि किस दिन आप बंद बुक ले नाम की आई डी की से ओक सी. ठीक है, पहले की किता क्रिएट टेबल. टेबल क्रिएट किया कि बोरो स्लैश डिटेल मतलब जी बुक ली डिटेल्स रखनी. ठीक है, फिर राउंड ब्रैकेट आप किया बोरो स्लैश आई डी की और जो बुक बोरो की आई डी की है और तो आप की लाए प्राइमरी की. फिर आप बुक की आई डी दसी उन्होंने आप रखे इंटीजर से. फिर आप बोरो आई डी फ्रॉम की जी आप बुक बोरो की किस दिन की. ठीक है, बोरो स्लैश कदों तक की. फिर एक्चुअल रिटर्न डेट और एक्चुअल रिटर्न डेट कदों से बुक दिन इशू कदों हुई सी. ठीक है, कि थ्रू किन्नी बाय मतलब कि हुई. ठीक है, तो अगर नैक्सट होगा आप कोई वैल्यू इनसर्ट करनी होगी डाटा में उद्दे आप यूज करेंगे इनसर्ट इनटू बोर जो कि टेबल का नाम बनाया उस पर वाले फर्स्ट की कहते हैं 004 डेट दसनी तो कदों तक सी तो बोरो कदों की किन्नी सी. तो कहते अगे नैक्सट है सैकेंड एंट्री करानी ना कि कहते नैक्सट वो आई डी है वह डेट तो प्रेजेंट है. ठीक है, तो टेबल कि शो होना बोरो आई डी बोरो स्लैश आई डी बोरो बोरो फ्रॉम कि कदों हुई सी बोरो टू कदों तक हुई तो एक्चुअल रिटर्न डेट एक्चुअल रिटेन रिटर्न डेट कदों से इशू कदों होगी. पहली हैगी रिटर्न आई डी की फस्ट फिर 004 की बुक की आई डी फिर कहते कदों हुई सी फ्रॉम 21 तो कहते 1 तरीक तो लैके 7 तरीक तक. फिर साड़ी डिफरेंट डिफरेंट एंट्री गई सी. ये साढ़े ला के कहते डाटाबेस मैनेजमेंट नैक्सट प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल कोई भी प्रॉब्लम जिसमें तो पूछ सकते. थैंक यू सो मच.